नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 64 वर्षीय राज्यसभा सांसद अमर सिंह का सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। जी हां, पिछले 6 महीनों से वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन आज दोपहर उनका निधन हो गया। और उनके इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर बॉलीवुड जगत में हर तरफ शोक की लहर है। लेकिन यहां हम आपको ये बता दें कि उनके निधन से पहले उनके ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट किए गए। एक ट्वीट बाल गंगाधर तिलक की डेथ एनिवर्सरी को लेकर है और दूसरा ट्वीट बकरीद को लेकर है। अब पहले आते हैं उनके पहले ट्वीट पर कि उन्होंने बाल गंगाधर की एनिवर्सरी को लेकर क्या ट्वीट किया। तो उनके ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि ट्रिब्यूट टू द ग्रेट रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। और जो दूसरा ट्वीट है वो बकरीद को लेकर उनके ट्विटर हैंडल से में आया और उसमें ये लिखा गया कि विशिंग अ वेरी जॉयफुल ईद अल अधा और लेट्स सेलिब्रेट दिस डे बाय स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस। तो आपको बता दें कि ये इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर है। अमर सिंह, जी हाँ, यूपी के बड़े बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की फैमिली से भी उनके काफ़ी करीबी रिश्ते थे, लेकिन बीते कुछ सालों से उनके रिश्तों में काफ़ी खटास भी रही और जिसके चलते उनके इस निधन से पहले उन्होंने बकायदा ट्वीट करते हुए अमिताभ की फैमिली से माफ़ी भी मांगी थी और ट्वीट करते हुए ये लिखा था कि इस वक्त मैं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हूँ। और जो कि अमिताभ बच्चन की फैमिली को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तो उनकी सलामती की भी उन्होंने दुआएं मांगी थी। तो आपको ये भी बता दें कि जो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर वो यही है कि अमर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। राज्यसभा सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से भी उनका गहरा रिश्ता रहा है, नेताजी से काफ़ी करीबी उनके माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने छोड़ दिया था और जिसके बाद बतौर राज्यसभा सांसद वो राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन आज वो हम सबको छोड़कर चले गए।